और अभिषेक जी जी सर, आप कहाँ के निवासी हैं? हम बैजलपुर हैं, आसपुर दूसरा विकास खंड। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके वंशज हैं। जी जी, इस दावे में सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि दरअसल हमारे पिताजी के जिससे पहली शादी हुई थी जिससे दो लड़के हुए थे, हमारे पिताजी, हमारे बड़े पिताजी और हमारे तीन बुआ थे जी। उसके बाद उनका संबंध किसी एक अन्य महिला से हो गया था जी। हमारे यहाँ भीखमपुर एक अगिये बैताल कहा जाता है, अगिये बैताल में एक भट्टा चलता था जी। उसी भट्टे पर एक महिला काम करती थी जिससे उनका संबंध हो गया था जी। उन्हीं जो है वो पैदा हुए थे जी। जी, एक चीज और बताइए आप भाई साहब, के अभी आपने एक ज्ञापन डीएम को दिया है, क्या डीएम क्या ज्ञापन दिया है आपने? ज्ञापन हमने दिया है कि वो हमारे परिवार के हैं, क्षत्रिय वंश के हैं, सोमवंशी क्षत्रिय हैं जी, और वो मौर्य वंश के नहीं, वो हमारे परिवार के हमारे काका लगते हैं जी, जी। क्या मांग है उसमें आपकी? उसमें मांग है कि हमको जो है हाँ। जो उनको अनाप सलाप उनसे अनायास बुलाया जा रहा है, चूंकि बचपन में ही उनको थोड़ा चोटें आ गई, चोटें आने के कारण कभी कभी उनका दिमाग जो है हल्का सा वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, बाकी वो उनसे यहाँ तक कि धार्मिक भावनाओं को भी उनसे ठेस पहुँचाने के लिए उनसे बुलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करते हो, लेकिन थोड़ा सा उनको लालच दे करके, राजनीतिक लालच दे करके उनसे अनाप शनाप बुलाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो यदि आते हैं तो हम सोच रहे हैं कम से कम उनकी दवाई करा के, उनका दवा दर्पण करा के हम लोग राजनीतिक जो उनका शोषण हो रहा है उनसे उनको मुक्ति मिले। अभी तक आप लोग उनके इस दावे पर आपने कभी दावा प्रस्तुत नहीं किया कि हमारे परिवार के हैं जी, जी, लेकिन अब जब उनका बयान आया तब आपका दावा प्रस्तुत हो रहा है, ये थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है। संदेहास्पद है इस नाते हैं सर, दरअसल इसके पहले लोक लाज की वजह से हम लोग कह नहीं पा रहे थे, आज भी चूंकि ये पिताजी माताजी और बड़े पिताजी आज भी सोच रहे हैं कि यह बात फूटे ना, लेकिन बाबा जी हमारे जो थे और हमारी दादी, उन्होंने बचपन में ही हमको बताए थे कि इस तरह की घटना है, और उनके माताजी का नाम राम संवारी देवी है जी। जी, वो भी गुजर गई हैं, वर्तमान में वो भी जिंदा नहीं है। आपने डीएनए टेस्ट की बात कही जी, डीएनए टेस्ट करा दीजिए 100%, यदि नहीं निकलता है तो अपनी बात को वापस ले लेंगे।